कल हुज्जत इब्न अल हसन सलावतुक अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहिस साअत व फी कुल साअत मिन साअतिल लैल व नहार वलियम व हाफिज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम व आइनन हत्ता तुस्किनहू अर्दकतुन व तुमत्तियहू फी हा तवीला बसुल्ला मोहम्मद व अज्जल फरजा आले मुहम्मद सलवात सारे सहबान बुलंद आवाज नाल पढ़ो अल्लाहुम्मा सलवात अली थोड़ी वो इबादत है जिंद ला शरीक भी शरीक है बुलंदर सलवात पढ़ो नारे तकबीर अल्लाह अली बादशाह दा भी खालिक मालिक के सारे हलाली मवाली मिल के बवादे बुलंद जवाब दो नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी नारे हैदरी या अली अलैहि सलातो व सलाम हुसैनियत सब बोलो हुसैनियत बुलंद आवाज नाल बोलो हुसैनियत इस तरह नहीं मजल समाज या हुसैन दे नामे नामी नल मनसूबे हाथ बुलंद होवे मिल के जवाब दियो हुसैनियत यजीदियत अहले बैत दे दुश्मन ते लानत अहले बैत दे हर दुश्मन ते लानत पाक सैयदा बीबी दे कातलां ते लानत पाक बीबी दे इस दौर दे दुश्मन ते लानत सलावात सारे साहबान बुलंद आवाज नाल पढ़ो ते मैं नौकरी शुरू कर देवां अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु मुहम्मद व आली मुहम्मद मिटाने दीन को जब अहले जर निकल आए मैं कलम हमी थोड़ा दया निकी था जिक्र पाक में शुरू कर करना दी मिटाने दीन को जब अहले जर निकल आए अगली सत्तर ते खसूसी तवज्जो चाहना मिटाने दीन को जब अहले जर निकल आए हुसैन ले के हथेली पे सर निकल आए जिन्हें बोल सकते हो यार सर नहीं जबान हलाई करो जिक्र पाक के हुसैन ले के हथेली पे सर निकल आए चौथी लफ्ज चौथी सत्तर चाचा मीर हुसैन जी एक लफ्ज इस्तेमाल हो रहे साडे इलाके च मुहावरा इस्तेमाल होंगे क्यों वेखो ना यार ओ फलाने बंदे नू पर निकल आए तवज्जो है ओ फलाने बंदे नू पर निकल आए ए पर निकल आई गल लफ्ज जनाब दे इन्हें चोया अजमत सरकार हुसैन बादशाह मेराज हो जासी मिटाने दीन को जब अहले जर निकल आए हुसैन ले के हथेली पे सर निकल आए और अली के लाल से बैयत मुआविया का पिसर मेरे ख्याल से चूंटी के पर निकल आए सारे अली आले हाथ लमदी शबी मिलके कुरान पढ़ो मिलके बोलो हैदरी थोड़ी जिंदगी नाराज हो मेरे मालिक थोड़ा वसद रखे तुसा जींदे रहो तुसा जी थोड़े बछड़े जीवन थोड़े बछड़े जी सिण का कलबिया हुसैन की सदा बुलंद सी नहायत सोनी तवज्जो कर रहे हो तो ओको तू सोना सुनते पे हो इतना ही मेरा दिल कि मैं पांच बारह चौदह कसीदे जनाब दी जोहरी तक पहुंचा तुम बोग्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते तवज्जो है जी तुम बोग्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते जिस सिमत है सलेमान उधर क्यों नहीं जाते जिस सिमत है सलेमान उधर क्यों नहीं जाते मैं प्यादा कुत्तों की तरह जीना भी किस काम का जीना हैदर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते थोड़ी जिंदगी दराज हो इतु लग के ओ आखरी हलाली मवाली सारे रल के सलावात पढ़ो मैं जनाब नू कसीदा सुनावन लगे काफ़ी अहबाब तशरीफ फरमाओ सारे रल के इकट्ठे होके बावादे बुलंद सलावात पढ़ो मेरे मौला अली दे सिवा जग ते कोई एक तानी का दूजा केड़ा है जिंदगी दराज होवे मेरे मालिक थोन वसद रखन मेरे मौला अली दे सिवा जग ते कोई एक तानी का दूजा केड़ा है मेरे मौला अली दे सिवा जग ते कोई एक तानी का दूजा केड़ा है मेरे मौला कायनात की मंदी फर्दे सानी जनाब दी होने तक पहुंचावना चाहना भी सब चाहना मौला अली दे सिवा जग ते कोई एक तावी खादू जगेड़ा है मेरे मौला अली दे सिवा जग ते
चेहरा खुदा दा चेहरा जिंदाबाद भाई मिलके सारे बोलो हैदरी सिंह दराज वे मेरे मालिक थोन वस्ते रखे जिसने दरदार दे कृपा की जा बैठे हो तूल ना हो जावे जल्दी नाल मिश्रा जनाब दी झोली तक पहुंचावण जदा मिंबर दी कसम है बंदा होवे शिया बैठा जिक्र च होवे बोले नहीं हो ही नहीं सकदा सर चावणा विवेखणा मेरे पासे गल संबंधे नाल जांदे घर ते बादशाह अब्बास दा आलम नसबे मंडी शाह जी उन्हें आलम बल्कि इथाई जुमला तब्दील करदा इंज क्यों ना खां जिन्हां दे घर बादशाह अब्बास दे आलम दे थल्ले उस बंदे नाल गल हर बंदे नाल गल नहीं सर चाहो तो गल ते पूरी तवज्जो किवें भाई किसे दुश्मन दा सानू डर कोई नहीं क्योंकि शाह दे गुलाम दे कोठियां ते बोल सकते हो यारो ते बोले करो ना जिंदगी दा राज होवे किसे दुश्मन दा सानू डर कोई नहीं क्योंकि शाह दे गुलाम दे बोलो कोठियां ते नतीजा रिजल्ट सुना किवें भाई किसे दुश्मन दा सानू डर कोई नहीं क्योंकि शाह दे गुलाम दे कोठियां ते किसे दुश्मन दा सानू डर कोई नहीं क्योंकि शाह दे गुलाम दे कोठियां ते मौला गाजी दे अलमा दी सूरत विच मौला गाजी दे अलमा दी मौला गाजी दे अलमा दी सूरत विच सहारा दी दुआ दा पहरा जिंदगी दराज होवे भाई बिन मालिक थोनू मस्त रखण मिलके बोलो हैदरी थोड़ा इस्तकबाल कीता ने अगला शेर जनाब नू सुनाना चाहना तवज्जो करनी है भाई बादशाह अली दी इज्जत मैं कुरान पाक की चू साबित करना चाहना अलहमदुल्ला शिया ने हैदर करार जितने भी होंदे सारे कुरान पढ़े हुए होंदे बोलो बोलो यार कुरान पढ़े हुए और ये भी सानू फखर ना दे शिया ने हैदर करार हाफिज ही होंदे बोलो जिंदगी दराज होवे मालिक थोड़े पुत्रां दी जिंदगी दराज फरमावे बुजुर्ग फरमा रहे अखियां ले हाफिज अन्ने नहीं अखियां ले तो कुरान दे हाफिज तवज्जो करनी है जिहड़े कुरान पढ़े बंदा बैठे हो सर चाहो तो गल ते पूरी तवज्जो किवें भाई पढ़ के सूरत हर कुरान विचों हकीकत सामने आई पढ़ के सूरत हर कुरान विचों ये हकीकत सामने आई है हकीकत केड़ी है नतीजा रिजल्ट सुनना किवें भाई पढ़ के सूरत हर कुरान विचों हकीकत सामने आई है पढ़ के सूरत हर कुरान विचों हकीकत सामने आई है जिथो रिज़्क मलाइक गिनदे ने जिथो रिज़्क मलाइक गिनदे ने इक्को वादी दे बाबे जिंदाबाद भाई मेरे मालिक थोन मस्त दे रखें भाई सारे सारे मिलके बोलो हैदरी सुभान अल्लाह भाई थोड़ी समझ सद के होने एक दो शेर होर पढ़ते हैं जी पंजाबी जुबान दे बादशाह हुसैन दी इज्जत दे उन्हें बाद तबरकन जिक्र मसाहब बुजुर्ग तशरीफ फरमाए मिंबर उन्होंने हवाले सारे हजरात मिलके बाबा दे बुलंद सलावत पढ़ो करता है जिस पे नाज जमाने में किबरिया तवज्जो है जी करता है जिस पे नाज जमाने में किबरिया साकिब उसी रसूल का शब्बीर नाद है साकिब उसी रसूल का शब्बीर नाद है कैसे करूं मैं उसकी इबादत का तज़करा पुश्ते नबी हुसैन की जाए नमाज है मेरे मालिक थोन वसदे रखे तू सजींदे रहो सारे हलाली मवाली मिल के बाबा दे बुलंद सलावत पढ़ो आओ जी बिस्मिल्लाह जी
क्योंकि हर जाकिर जाकिर नहीं बल्कि बानी की हैसीयत हाजिर है। शाम तक बादशाह हुसैन जाकिर आते रह सन, पढ़ते रह सन, ड्यूटी अपने अपने हिस्से देते रह सन। सारे हलाली मवाली रल के बाबा दे बुलंद सलवात पढ़ो मजनाम ने शेख हसीन दा हुसैन इंजना करो यार। मैं यकीन कामिल कि सलवात सारे अदारा याद है। नबी सजदे विच ते कंड ते बैठा हुसैन मिलके बोलो है दारी। नबी सजदे विच ते कंड ते बैठा हुसैन नबी सजदे विच ते कंड ते बैठा हुसैन मेरे मालिक थोनों वसद रखें भाई मिलके बोलो नौकरा नौकरा नबी सजदे विच ते कंड ते बैठा हुसैन बोलो है दारी कलंदर जिंदाबाद मिलके बोलो यार बेशुमार अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ईद अल दिन हुसैन बादशाह खरामा खरामा टुरदे हुए मस्जिद नबवी दाखिल होए। पहली सफ करास की थी, दूजी सफ फिर करास की थी, इस इलाके लो मल लो तो त्रीजी सफ फिर करास कर छोड़ी। सफा करास करते हुए नबियों के बादशाह का सर सजदे च पुश्त नबूत हुसैन बादशाह हो गए सवार। साढ़े भाई आ दिन कोई एडा वा फजैल नहीं ना कोई एडी वी फजीलत है। क्यों बई अखे हुसैन आई बच्चा बच्चों शौक होंगे सवारी का जेड़े जागते बैठो यार हुसैन बच्चा बच्चों शौक सवारी का इतना ही भाई बाकी रजा जी थोड़े जज्बात तर्जमा करता भाई इतना ही सरदार नदाकत खान बलोच शाहीवाल आले मिलके बोलो है दारी। सरदार नदाकत खान फरमाते होंगे अगर हुसैन बच्चा ही मेरे पद वेखना भाई अगर हुसैन बच्चा ही बच्चों शौक सवारी का हुसैन बच्चा बच्चों शौक सवारी का रस्ते इतने बड़िया तेज रफ्तार सवारियां मौजूद हैं इन समझ आ गई यार बोले करो ना जिंदगी दराज हो। अच्छा इंज क्यों ना आखा वो सवारियां मौजूद हैं जेडे जंग भजदे भजदे बाबा जी भजदे 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 अपने घर के बूहे ते आके अपनी रौजा कुल पुछदे नम्मा ही तू मदीना चोखा सफर है जिंदाबाद भाई थोड़ी समझ सद के वजा बुजुर्ग फरमा रहे उन्होंने वेख के वन टू फाइव बने हैं मिलके बोलो है दारी जिंदगी दराज हो
नहीं भाई इमाम इमाम होंदे भावे मां दी झोली च क्यों ना होवे। नबियां दे सरदार नबी तस्बीह मेराज अदा कीती, इरादा कीता सर कुचावा और दूर तो एक टेलीफोन आ गया। जिहड़े जागदे बैठे हो यार आवाज कुदरत आई, मेरा सोहना नबी जी, मेरा मालिक जी, मेरा खालिक, सजदा लंबा कर, सजदे नूं तूल दे, सजदा वधा मेरा मालिक। अगे तो सख्ती नाल हुक्म आंदा ई मेरा महबूब, इबादत घट कीती कर, इबादत थोड़ी कीती कर, इबादत कम कीती कर। तेरे पैरां ते वरम आ वेंदे ते मेरे कोलों बर्दाश्त नहीं होंदे। अज एडी सख्ती नाल हुक्म क्यों है? आवाज कुदरत आई, मेरा सोहना नबी तेरे मेरे दरमियान, तेरे मेरे दरमियान हस्ती एडी वड्डी आ गई है, ना तू उठा सकदा है ना मैं लहा सकदा। बोलो जिहड़े बोल सकदे हो यार जिंदाबाद भाई, मेरे मालिक थोनू वसदे रखण भाई। जिंदगी दे राह होवे हस्ती एडी वड्डी आ गई, ना तू उठा सकदा है ना मैं लहा सकदा। नबियां दे बादशाह नबी ने तस्बीह में राज दा कीती, इरादा कीता सर नू चावा। उस वेले आवाज कुदरत आई, केड़ी आवाज आई है? कोई ऐसा जिसमें दा दिल को ले हिलाना नहीं, जिंदगी दे राज होवे कोई हिस्सा जी समदा बिल्कुल हिलाना नहीं। क्यों? नतीजा रिजल्ट सुनना किवें भाई? कोई हिस्सा जिसमें दा बिल्कुल हिलाना नहीं, बिल्कुल हिलाना नहीं। आ आ आ भी उतरे या ना उतरे खुद लहाना नहीं। जिंदगी दे राज होवे जिहड़े समझ के बोलदे पायो, मिलके कुरान पढ़ो, मिलके बोलो हैदरी। आप ही उतरे या ना उतरे खुद लहाना नहीं। नतीजा सुनना भाई, खुद लहाना नहीं। असी तो दो हो गई नौकरी, बह जाओ तूल ना हो जावे। बुजुर्ग तशरीफ फरमाए सदके थी पो, मैं तो फदैल पढ़ रहा ना, मैं वेख रहा मोमिनीन दी अखी दा वजू शुरू हो गया। अज सत रजब है, इस रजब दे हवाले नाल एक वैन पढ़ना चाहना। पढ़दा पिया होए दुख तकलीफ जादिया को, तो मैं कुर्बान थी बोवा। होवे दुख तकलीफ जादिया को ते देंदे मां प्यो आन दिलासे, प्यो ना होवे तोड़े वीर होवे ताई वक्त होवे दा। सदके भाई कहिंदा सीना दुखदा ओ बंदा मातम ना करे यार। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਮੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕਬਰ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਜਵਾਨੀ ਮਾਣੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਵਾਨ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਾਚਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਸਾਂ ਮਾਤਮ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਕਰਾਂ ਸੈਦ ਹੈ ਇੱਥ ਭਾ ਬਲਦੀ ਹੋ ਜਹਾਂ ਜਲਦੀ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਲੱਖ ਵਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੇਸਾਖ ਦਾ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਸਰ ਚੋ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ, ਅੱਖ ਜਾਣੇ ਲਾਹੌਰ ਅਲੀ ਮਲਕਾ ਸੈਣ ਜਾਣੇ ਹੀ ਕਰਾਂ ਨੌਕਰਾਂ। ਅੱਛਾ ਨੌਕਰਾਂ ਸਦਕੇ ਭਾਈ ਤੇ ਸਮਾਤਮ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਕੇ ਪਾਸੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ
ਨੌਕਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆਦੀ ਆਈ ਭਾਈ ਨੌਕਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆਦੀ ਆਈ ਆਦੀ ਤੜਪਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਸੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਆਈ ਆਦੀ ਤੜਪਾ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਲਹਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਦੀ ਆਈ ਆਦੀ ਮੈਂ ਦੁਆ ਮੰਗਦੀਆਂ ਉਤਲੀ ਜੀਵਾਂ ਸਦਕੇ ਭਾਈ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਨੌਕਰਾਂ ਜੀ ਕਰਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਦਕੇ ਨੌਕਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰ ਪੜ ਦੇਵਾਂ ਮਕਸਦ ਰੋਣ ਨਾਲੇ ਜੀ ਕਰਾਂ ਪੜਦਾ ਪੀਆਂ ਹੋਵੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਮਾਂ ਤਮਲੀਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਇੱਕ ਹੰਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਿਜਾਤ ਬਣ ਜਾਵੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਸਾਇਬ ਖਾਨ ਦੀ ਬਰਸੀਏ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਐਸੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮਾਲਿਕ ਭਾਈ ਬਾਕਿਰ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਨਸਲਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਰਮਾਵੇਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਹਿਣ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਫਿਤਰਤੀ ਵਹਿਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰਦਾਪੀਆਂ ਕੈ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਤੂਰ ਮਰੇ ਸਦਕੇ ਭਾਈ ਕੈ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਤੂਰ ਮਰੇ ਤੇ ਨਜਾਣ ਦੇ ਕੁਲ ਸ਼ੁਰਫਾਏ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਿੱਤੀ ਵੈਂਦੀ ਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਪੇਕੇ ਵਸਦੇ ਹੋਵਣ ਤਾਂ ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ ਜੀ ਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਨੌਕਰਾ ਨੌਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਵੈਂਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਕੋਲ ਤੇ ਸਮਾਤਮ ਕਿਉਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਣੀਆਂ ਬੈਠੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਨੌਕਰਾ ਹੋ ਚੁੰਮ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਸ਼ਨੀ ਜ਼ਾਕਿਰ ਅਰਬੈਤ ਮੁਸੱਵਰ ਗਾਮ ਬਾਬਾ ਸੈਯਦ ਸਾਦਿਕ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਰਾਜੀ ਆਪ ਮੰਗਵਾਲ।